मंगल है, आज का दिन आपके लिए सुबह शुभ हो, यही शुभकामना स्वामी जी की तरफ से। ओम धीरे धीरे आपको बोलते हैं और हम लोग अगले कार्यक्रम की तैयारी निकल जाएगी। अच्छा लगा ना आप लोगों को, ऐसे ही चाह रहे हैं कि हर विद्यालयों में कार्यक्रम होता रहे और कम से कम भोजपुर जिले को हम लोग योगमय बना करके और यहाँ से प्रकाश को निकाले, कम से कम अपना जिला ही प्रकाशित हो जाए तो यहाँ बहुत बड़ी चीज है। वैसे आप सभी दिव्य महान लोग हैं, आप लोग केवल सहयोग करते रहते हैं प्रतिदिन, केवल कमर दर्द का बता देते हैं। उसमें क्या करना है कि सभी के लिए दूध को केवल अकेले नहीं पीना है, उसमें हल्दी मिलाकर पीना है। मरिया बगैर हल्दी का दूध अशुभ है, असंस्कारी है और हमारे लिए निरोगी नहीं है, इसलिए दूध में एक चम्मच हल्दी मिलाकर पीना है। उसमें ये डरना नहीं कोई को भ्रांति फैला दिया है हेपेटाइटिस हो जाएगा तो जॉन्डिस हो जाएगा। हल्दी में इतने एंटीऑक्सीडेंट है कि केवल विकारों को निकालेगा और दर्द को भी ठीक रखता है। आगे झुक करके काम नहीं करना है, ज्यादा तनाव में नहीं रहना है, कभी कभी क्रोध हो रहे ना ये ललाट से पता चल जाता है। क्रोध नहीं करना है, तनाव नहीं करना है, उसकी आकृति अलग बन जाते हैं। तनाव रहने वाले का, क्रोध में रहने वाले का लाख छुपाए हंसे लेकिन हंसी नहीं निकल पाता है बहन जी। तो आप बिल्कुल ही आनंद में रहिए और ये कपाल भाती करिए, ये वाला अनुलोम विलोम करिए और आसन दो चार बता देते हैं। कमर दर्द वाला अकेला है और हम लोग को ऐसे कर दिया सांस भर के पीछे की तरफ झुकना होता है। ये अर्धचंद्रा इसमें सांस भर के थोड़ा सा कमर को आगे की तरफ और गर्दन को पीछे लाते हैं, समझ गए। रुकना है कम से कम 2 से 5 मिनट आसन में। इन हाथ को यहाँ रखते हैं ऐसे, फिर ये उष्ट्रासन हाथों को यहाँ रखते हैं। ये है भुजंगासन, ये है मकर आसन ऐसे, फिर पैरों को फैलाकर ऐसे करना है, फिर ये है भुजंगासन का। हे भुजंगासन कहाँ है, समझ गए, चला ले लो, फिर ऐसे कर लेना, इतना ही करिए ठीक हो जाएगा दर्द। और वे मालिश करना है रास्ता चैनल में ना, स्वामी जी का भी चल रहा है सुबह में 4 बजे, वो देख लीजिएगा छुट्टी के दिन में।